नमस्कार, मैं अरुण शर्मा वैज्ञानिक जी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक रेनफॉल की अगर बात की जाए तो वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो वाइड स्प्रेड रेनफॉल को जो है वो दर्ज किया गया है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल शिवपुरी जिले के बड़ौदा स्टेशन के ऊपर 334.0 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में। इसी तरह वेस्ट एमपी के अंदर 4 स्टेशन के ऊपर वेरी हैवी रेनफॉल और 8 स्टेशन के ऊपर हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है। ईस्ट एमपी की बात करेंगे तो फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल पिछले 24 घंटों में हुआ है और 3 स्टेशन ने जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया और हाईएस्ट रेनफॉल 110.6 mm सागर जिले के अंदर जो है वो हुआ है। आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो जो मेन सी लेवल के ऊपर जो ट्रफ है आज वो ग्वालियर और सतना के जिलों के होता हुआ जो है वो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल की ओर जो है वो अग्रसर है और एक साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 से लेके 7.6 के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसी से एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग गुजरात कोस्ट के ऊपर जो है वो 3.1 किलोमीटर के ऊपर आज देखा जा सकता है। तो इसके होते आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इस टाइम अधिकांश भागों में जो है वो क्लाउडिंग वर्षा और गरज चमक के साथ जो है वो दौर जो है इस टाइम बना हुआ है। तो आइए आगे आने वाले मौसम की जानकारी में विस्तृत विवरण करते हैं। तो आज के मौसम के बारे में अगर जानकारी हासिल की जाए तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों से लेकर अधिकांश स्थानों पर जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा और साथ ही आज मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने शिवपुर और शिवपुरी में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात 204.5 mm से लेके ऊपर की बारिश को जो है वो आज दर्ज रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही वेरी हैवी रेनफॉल भिंड, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, अशोकनगर और गुना जैसे प्रदेशों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल 115.6 से लेकर 204.4 mm की होने की आज संभावना बनी हुई है। बाकी जिलों के अंदर सतना, रेवा, माओगंज, दमोहा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल के आज होने की संभावना बनी रहेगी। डे टू की बात करेंगे अर्थात 7 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा के चक्र के अंदर जो वेस्ट के अंदर है वो कुछ हल्की सी कमी आएगी और कुछ जिलों के अंदर जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा, लेकिन जो ईस्ट के जिले हैं उसके अंदर फिर भी वर्षा का दौर जारी रहते हुए अनेक स्थानों से लेके अधिकांश स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा कल भी होने की संभावना बनी रहेगी और वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो भिंड, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और पंडुआ जैसे जिलों के अंदर जो है वो साथ ही गरज चमक के साथ जो है वो भिंड को जारी करते हुए जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल जो वेरी हैवी रेनफॉल है वो शिवनी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर जैसे जिलों के अंदर कल भी होने की संभावना हैवी रेनफॉल की बनी रहेगी। अगर डे थ्री की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर जो है वो वर्षा का जो गतिविधि है वो जारी रहेगी और छिंदवाड़ा और पनवा जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल और साथ में कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवानी, मंडला जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को थर्ड डे के अंदर अर्थात 72 घंटे में अर्थात 8 तारीख को दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। अगर 9 तारीख की बात करेंगे तो फिर से एक बार जो वर्षा की गतिविधि है वो वेस्ट के अंदर भी जो है वो अधिकांश स्थानों में देखने को मिलेगी और आप देख सकते हैं कि खारगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और पनवा जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल अर्थात 64.5 mm से लेके और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का दौर जो है वो जारी रहेगा डे 4 के अंदर। अगर डे 5 की बात करेंगे तो एक जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके नॉर्थ वेस्ट के ऊपर जो बढ़ते हुए के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि अधिकांश पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंदर अनेक स्थानों से लेके अधिकांश स्थानों के अंदर वर्षा को दर्ज किया जाएगा और साथ ही वेरी हैवी रेनफॉल शिवपुरी, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रेवा, मेहर, छिंदवाड़ा, खारगोन और बुरहानपुर जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल और साथ में हैवी रेनफॉल दमोहा, कटनी, उमरिया, शाहडोल, सिद्धि, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन जैसे जिलों के अंदर डे 5 के अंदर एक बार फिर से वर्षा की गतिविधि बढ़ते हुए वर्षा होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आज जैसे कि कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है और आज भी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा रेड अलर्ट के अंदर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को दर्ज किया होने की संभावना जताई जा रही है, प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी सुरक्षा का खास कर ध्यान रखें। नमस्कार।